दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप पीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मुके इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मुके इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय ब्लगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बया नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो है ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने से छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उस समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अब ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाई के जो टीचर उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला वर्पोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो खासकर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मुके इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय ब्लगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मैंसन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पर दिखाया गया है तो उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पर एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने जैसा छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसको समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाहर के जो टीचर है उन्होंने लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद जरूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप पीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू के इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बलुग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ ठीक पर से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसा छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर कहान थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसमें देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी हो तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाहर के जो टीचर है उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको पाँच सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ासकर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती हो और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमाख मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनुमुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बिलुग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसमें देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अब ये लड़की जो है अच्छी है अब बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस में ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब आ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी हो तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमाख मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बुलग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पर एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन काफ के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो है ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़े आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसमें देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस में ये होता है कि एग्ज़ाम एक 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 का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको पाँच सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है उस स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती हो और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमाख मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनुमुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बलुगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है वो उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहान थोड़े आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसमें देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अब ये लड़की जो है अच्छी है अब बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस में ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब आ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से नहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी हो तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है ख़ैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमाख मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनमक उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बुलग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पर एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो है ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़े आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके सामने देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है अभी हैबिट बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस में ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें उन्होंने लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार है और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको पाँच सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है ख़ैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा मुखे इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बुलग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ की जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन काफ्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े गंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके सामने देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है अच्छी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब तो हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें ये लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमाख मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनमक उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बुलग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पर एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो है ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके सामने देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है अभी हैबिट बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस में ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें उन्होंने लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार है और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको पाँच सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है ख़ैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा मुखे इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु के इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बुलग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ की जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है एक यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन काफ्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके सामने देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें ये लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियर ही बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है ख़ैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु के इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्शन स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनुम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बलुग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन काफ के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है अच्छी हैबिट बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एक एग्ज़ाम एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब तो हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें ये लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको पाँच सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है ख़ैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय के मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दें जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनुमुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बुलग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ की जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन काफ्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके सामने देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी हो तो अब रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें उन्होंने लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियर ही बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है ख़ैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा मुखे इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू के इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्शन स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनुम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बलुग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन काफ्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है अच्छी हैबिट बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एक एग्ज़ाम एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब तो हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें ये लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको पाँच सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है उस स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला वर्पोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मूके इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मूके इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनुम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय ब्लगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ की जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बया नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो है ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डफ्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस इसने से छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उस समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अब ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले हिस्से में ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाई के जो टीचर उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद जरूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियर ही बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है ख़ैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा मुखे इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्शन स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनुम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बलुग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन काफ के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने जैसे छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नजर रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसके समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है हैबिट बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाकी जो टीचर उन्हें ये लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको पाँच सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है उस स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डापउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियर ही बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मूके इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मूके इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनुम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय ब्लगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ ठीक पर से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ की जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बया नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने से छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उस समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अब ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाई के जो टीचर उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला वर्पोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियर ही बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में हैं इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती हो और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मुके इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दें जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके YouTube चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बिलोगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणति सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने तरह से छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहान थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उस समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाहर के जो टीचर है उन्होंने लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला बरकोज़ करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस विलम के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डापआउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लीयरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सकें और दोस्तों ऐसे वीडियोज़ या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मूके इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मुके इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनुम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय ब्लगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ ठीक पर से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ की जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है वो उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बया नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो है ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डफ्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस इसने से छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उस समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अब ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले हिस्से में ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाई के जो टीचर उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला वर्पोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती हो और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मुके इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके YouTube चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बिलोगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणति सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने तरह से छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहान थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसको समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाहर के जो टीचर है उन्हें लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतजार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतजार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों इस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप पीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनमक उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बुलग्न का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी चाटे ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ ठीक पर से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसा छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़े आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उस समय देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी हो तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाहर के जो टीचर है उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि कब हमें सामने वाला वरकोज़ करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतज़ार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ास कर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप बीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती हो और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमा के मुके इनके यूटूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फ़िलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनू मुखे इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके YouTube चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोनम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय बिलोगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गमपाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणति सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है जो मैन कास्ट के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डस्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इसने तरह से छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह कर ऐसा क्यों कर रही है फिर कहान थोड़ी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसको सब देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम एक एक का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी है तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाहर के जो टीचर है उन्होंने लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है किसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसके अंदर आपको लव स्टोरी देखने को मिलती है और लगभग जो है वो स्कूल और कॉलेज के अंदर ही बनती है और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई इंसान जो है वो इस बात का इंतजार करता है कि कब हमें सामने वाला प्रपोज करे और हम एक्सेप्ट करें बस यही इंतजार के अंदर उनका जीवन बीत जाता है और वो जो है जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाते हैं और यहाँ पर आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही दिखाया गया है यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का ये डाउट भी होगा कि क्या ये मूवी है या फिर कोई गाना है या फिर कोई वेब सीरीज़ तो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो क्लियरली बताने वाले हैं तो हो सके तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी जो है इसे इंजॉय कर सके और दोस्तों ऐसे वीडियोस या फिर ऐसे जो मूवीज़ है वो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है क्योंकि ये हमें बोर नहीं कराती है और एंड तक बांधे रखती है तो ख़ासकर जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज लाइफ में है इन्हें ऐसी फिल्में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है खैर अब वापस लौटते हैं इसके तरफ और जानते हैं इसके बारे में आज हम दोस्तों जिस फिल्म या फिर सॉन्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंटरमीडिएट अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा कि मध्यम वर्गीय या फिर ऐसा जहाँ पर आप पीच वाला होता है अब ये ऐसा इसका नाम क्यों दिया गया है वो बात हम आगे करेंगे पहले सबसे बड़ा डाउट आपका ये है कि क्या ये मूवी है या फिर कोई सॉन्ग है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो कोई मूवी नहीं है बल्कि फ्यूचर में जो है इस नाम से मूवी ज़रूर बन सकती है और अगर इसे मूवी के अंदर जो कंबाइन कर दिया जाता तो शायद ये अच्छी रहती और ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ जाती खैर फिर भी यहाँ पर जो गाना है वो काफ़ी अच्छा हिट रहा है और इसे लगभग एक महीने पहले रिलीज़ कराया गया था और अभी तक लगभग साढ़े तीन मिलियन व्यू इसे मिल चुके हैं अगर आप इसे देखना ही चाहते हैं तो जो विनय सनुमाख मुखे इनके यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है जहाँ से आप जो इसे देख सकते हैं फिलहाल के लिए दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में यही जो मेकरस है वो एक फ़िल्म लेके आए या फिर कोई ऐसा अब मूवी बना दे जो कि ऑडियंस को पसंद आए बाकी दोस्तों जो विनय सनु के इन्होंने बहुत सारे गाने भी दे रखे हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आपको गाने मिल जाएंगे जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है ये सारी चर्चा करते हैं इससे पहले मूवी इसका जो तो डायरेक्ट स्टोरी है और जो एडिटिंग है वो यहाँ पर जो विनय सोलम के उन्होंने ही की हुई है और यहाँ पर आपको जो म्यूजिक वो देखने को मिल जाता है विजय ब्लगन का जो बहुत ही बढ़िया है इसके अलावा इसके प्रोड्यूसर दोस्तों गिरिधर गम्पाला और श्रीजा रहे थे और जो लिरिक्स यहाँ पर दी थी वो सूरेज बनी चाटे ने दे रखी है और ये पूरा जो गाना है इसके अंदर आपको जो कुछ बढ़िया काफ्ट देखने को मिल जाते हैं जिनमें से श्री प्रणथी सुगी विजय गौरी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और सभी ने काम बहुत ही बढ़िया किया हुआ है अब यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है तो कहानी काफ़ी सिंपल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो है एक लड़का आपको देखने को मिलता है आप मान सकते हैं कि इसका लीड काफ्ट है और वहीं एक लड़की भी है जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं पर यहाँ पर ठीक से मेंशन नहीं हुआ है कि कॉलेज लाइफ जर्नी है या फिर कोई ऐसी जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ तक मेंशन नहीं है बट जिस हिसाब से, से यहाँ पे दिखाया गया है उस हिसाब से शायद वो कॉलेज हो सकती है यहाँ पे एक लड़की है जो कि एक लड़के को पसंद करती है और जो मैन काफ के अंदर है और शुरुआत के अंदर जो है वो बयाँ नहीं करती है कि उसे पसंद करती है और लड़का उसके बारे में जो ज़्यादा जानता भी नहीं होता है पर एक बार जो डफ्टर है वो छुपा देती है और लड़का देख लेता है कि इस तरह जैसा छुपाया होता है तब से लड़का जो है उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यह ऐसा क्यों कर रही है फिर कहानी थोड़े आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीचर डे होता है और टीचर दिन के लिए वो जो लड़की है एक अच्छे कपड़े के अंदर यानी कि साड़ी पहन के आती है और उसमें देख रही होती है लड़का समझ जाता है कि मुझे पसंद करने लगी है अब लड़का भी जो है उसे पसंद तो नहीं करता था बट उसके बारे में सोचता रहता है कि अभी ये लड़की जो है अच्छी है अभी बुरी इसके बारे में वो सोचता है पर हाँ उसके दोस्त जो समझ जाते थे कि ये लड़की जो है हमारे जो फ्रेंड है उसे पसंद करने लगी है फिर आगे वाले इस समय ये होता है कि एग्ज़ाम का डे होता है और इस दिन जो है बैग के अंदर मोबाइल लेके वो लड़की आ जाती है हालांकि उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि मोबाइल अलाउ नहीं होता है जब भी एग्ज़ाम हो तब हाँ ये बात अलग है कि अगर आप बाहर से दूर से कहीं आए हैं और इमरजेंसी इमरजेंसी हो तो आप रख सकते हैं बट फिर भी लड़की की जो बैग होती है उसके अंदर एक मोबाइल निकलता है और उसके अंदर फोटो भी उस लड़की की होती है जिसको पसंद करती है तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है और बाहर के जो टीचर है उन्हें यह लगता है कि दरअसल ये जो लड़का है इसी का बैग है और वही जो चोरी कर रहा है पर अब वो लड़का समझ चुका था कि लड़की सच मुझे पसंद करती है और बाद में इन दोनों की जो स्टोरी वो आगे भी बढ़ती है और ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं अब उनकी शादी हुई होगी या नहीं ये तो आपको गाने के अंदर नहीं दिखाया गया है पर हाँ एक बहुत ही बेहतरीन गाना था मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छा ज़रूर लगेगा और इसके जो गायक कलाकार है वो कार्तिक जी है जो कि एक बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं और बहुत सारे जो है वो सॉन्ग भी इन्होंने दे रखे हैं इसके अलावा इसके अंदर आपको जो है एक अच्छी जो है वोकल भी देखने को मिल जाती है जो कि रोबिन जी ने दे रखी है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो गाना है इसका निर्माण किया गया है तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर सुनिए इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा या फिर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये गाना मिल जाएगा बाकी अगर आप इसे सुन सके हैं या फिर आपने कोई ऐसी क्लिप देखी है तो मुझे बताएगा कि इस पूरे आठ मिनट के गाने के अंदर आपको कौन सा जो पार्ट था वो सबसे अच्छा लगा था मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अगर ऐसे कमाल के जो है वो रील्स देखते हैं या फिर अगर आप ऐसे कमाल की मूवीज़ या फिर सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही आपको जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो गाना है वो पसंद ज़रूर आया होगा